When I wrote this song, behind the song was a feeling of anger and dissatisfaction with the way I was feeling now, you know, with what I'm seeing around us. हमारे यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, हमको हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सब आप नज़रअंदाज करो और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करोगे. और अगर मैं बुरी चीज़ों की तरफ अगर किसी का ध्यान नहीं लाऊंगा तो ये जो अच्छी चीज़ें ये भी कम होती जाएंगी. तो मेरे लिए जब मैंने लिखा था, मैंने सोचा था कि सब एक्चुअली इस गाने से रेजोनेट करेंगे, सबको इस गाने से समर्थन होगा, लोगों को ये गाना अच्छा लगेगा. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह के गाने से लोगों को कुछ पीड़ा पहुंचेगी या कुछ होगा. मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था. आई एम सेइंग इट रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक कोई चेंज नहीं होने वाली. एंड टुडे थ्रू दिस फिल्म, थ्रू अभय, थ्रू इमरान, थ्रू दिवाकर, थ्रू अस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द यूथ ऑफ द नेशन नो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर एंड वी आर द पीपल हु कैन मेक दिस चेंज. इतनी छोटी सी बात पर प्रोटेस्ट करना, एक पिल फाइल करना, ऐसी चीज़ों पर जो जिंदगी में भी होता है यार, जिंदगी में गुड भी है और बैड भी है, गुड भी है और गोबर भी है, दैट्स लाइफ. और ऐसा कोई परफेक्ट देश है नहीं यहाँ. और अगर हम एक बेसिक डिस्कशन नहीं कर सकते, अगर आर्ट के द्वारा हम ऐसे लिरिक्स नहीं लिख सकते, तो फिर हाँ, तो फिर आप चेंज कर दो ना, डेमोक्रेसी मत बोलो हमें ना, वी आर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी कांट डू दिस. मुंबई अगर शंघाई कभी ना बने, मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा. मुंबई को मुंबई बनना है, मुंबई का ऐसा मुंबई बनना है जहां पे मेरे घर के सामने जिनका घर तोड़ के मेरा घर बनाया गया है उनका घर मेरे घर के साथ हो, मेरी बेटी उनके बच्चे के साथ एक पार्क में खेले. मेरे को ऐसा मुंबई चाहिए. मेरे को ऐसा मुंबई चाहिए जहां पे सड़कें साफ हो और जहां पे ट्रैफिक स्पीड से चले और 2 घंटे का जैम ना लगे. मेरे को तीसरा मुंबई ऐसा चाहिए जहां पे सड़कों पे गंदगी ना हो और जहाँ पे बच्चों को सांस लेने के लिए खाली और मतलब खुली हवा मिले और उनको डेंगू या मलेरिया ना हो. ये 3 छोटी छोटी चीज़ें हो जाए, मेरे को शंघाई नहीं चाहिए, लंदन नहीं चाहिए, सिंगापुर नहीं चाहिए. मैं मुंबई कर हूँ और मैं मुंबई में ही रहूँगा.